हाय गाइस, आज हमने एक नया तरीका से चिकन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और थोड़ा गर्म होने दिया इसको, ताकि चिकन अच्छा बना पाए या नहीं पाए पता नहीं। वीडियो तो खुद नहीं बनाया, इसीलिए ढंग से तो देखा नहीं पाया हो। सामग्री है, मसाला वगैरह ये इतना ही डर लगता है जब चिकन अच्छा बनाने के लिए। लेकिन बनाने के ऊपर डिपेंड होता है, कौन कैसे बना सकता है। यह तेल गर्म होने के बाद हमने क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया और थोड़ा प्याज को भुनने शुरू कर दिया। तब तक भुने प्याज को कि जब तक लाल लाल सा दिखाई ना दे, तब खाने में भी अच्छा लगेगा। प्याज का वो भी नहीं आएगा, थोड़ा सा ग्रेवी में भी घुल जाएगा वो प्याज। अगर लाल लाल बनाया तो नहीं, तो फिर ऐसे डाल दिया तो अच्छा नहीं रहा। जैसे देखो, हमने थोड़ा डाल हुआ, उसके बाद डाल दिया चिकन, थोड़ा सा धुलाई कर दिया। जो लकड़ी के ऊपर रख के काटा हुआ है तो चिकन थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह सुखाया हुआ होता है, उसको धुलाई करके थोड़ा जाली में रख के पानी सुखा के डालना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। इसके ऊपर हल्दी डाल दिया, देखो थोड़ा सा हिला दिया बस। थोड़ा हल्दी भून जाने के बाद इसमें हम लोग नमक डालते हैं। थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है कि पानी निकलता है तो मिर्च, पानी निकलने के बाद एक बार अच्छे सुखाने के बाद मीट अच्छा, जैसे आप हल्दी डालने जा रहा हूँ उतना ही हल्दी डाले जितना आवश्यक होता है, जैसे एक चम्मच थोड़ा सा, क्योंकि चम्मच से ही अंदाजा लगा जाता है हल्दी कितना डालना है क्या करना है। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि हल्दी लगाने के लिए कैसा होगा पता नहीं। फिर भी अंदाजा लगा के थोड़ा कम होने से तो अच्छा है। नमक लेकिन ज़्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगता। अभी थोड़ा सा हिला दो, नमक भूल जाए तब तक, उसके बाद में फिर इसको कुछ देर के लिए ढक दो। निकाल दो, उसके बाद में डाल दिया अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट पीस के डाल दिया। और थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि न जल जाए। और उसके बाद थोड़ा हिला दो अदरक लहसुन को भी उसमें लगने दो, बराबर करके हिला दो। चिकन पकने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, थोड़ा देर में ही पक जाएगा चिकन। अच्छी तरीके से घोल दे, अब उसको क्या करना, थोड़ा सा ढक दो, अच्छा लगेगा। खुशबू अंदर ही अंदर रहेगा, खुशबूदार। थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा पानी, टमाटर भी डाल दिया मैंने, दिखाने भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। टमाटर पहले उसके बाद डाल कर फिर ढक दो एक बार, ताकि थोड़ा गर्म टमाटर अंदर ही गल जाए। अंदर थोड़ा ढकने के बाद निकाल दो, और टमाटर गलने का जैसा हो जाएगा गल जाएगा तो फिर हिला दे। और मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दो बस, और उसको फिर हिला दो। तब तक चिकन लगभग लगभग पक भी गया है। अभी थोड़ा टमाटर को गलना दे दो बस, गलने के बाद तो खाया जा सकता है। और इसमें डालने के लिए एक चीज़ बताया, अब वो मीट मसाला होता है ना, मिर्चा मसाला है, मीट मसाला या चिल्ली पाउडर जो भी बोले, वो डालने के बाद चिकन रेडी हो जाएगा। और इसके साथ तो थोड़ा सा इसी टाइप का ग्रेवी बना के रोटी के साथ खाने में और मज़ा आएगा। ये सूखा रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ा सा ग्रेवी और थोड़ा सा चिपचिप वाला खाएंगे।
लेकिन हमने तो रोटी बनाए ना, इसलिए चावल जैसा खाने जा सकता है, दारू में सोना बना के खा सकता है, ये इस हिसाब से बनाया गया है। लगाइए अभी ये डाल दिया मिर्चा पाउडर, सॉरी गाइस दिखाई नहीं दिया, ये है मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा लाल लाल सा कलर आ सकता है मिर्चा पाउडर, और थोड़ा सा हिला दो ताकि मिर्च का कलर अच्छा लगे। सभी मीट जो बनाता है वो अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं और लोग, लेकिन सभी का हाथ का मीठा तो नहीं होता है और किसी का हाथ का अलग अलग बनता है। मैंने थोड़ा सा रस डाल दिया और इसको थोड़ा उबालना चाहिए और गर्म होने के बाद निकाल के खाया जा सकता है, लेकिन ये ठीक हो गया रोटी के साथ खाने के लिए। और ग्रेवी टाइप का बनाना, थोड़ा और ज़्यादा ग्रेवी बनाना है तो और भी बनाया जा सकता है, मुश्किल से प्याज टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। अरे ग्रेवी के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इस टाइप का ग्रेवी के साथ रोटी खाने में मज़ा आता है। अभी खाने के ऊपर डिपेंड है, और कोई अलग अलग